था कि यहाँ पर चार धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री केदार, और एक पांचवा धाम सैनिक धाम यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा शहीद होने वाले जवान हमारे छोटे से प्रदेश उत्तराखंड से होते हैं। और तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा, मेरे द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर उसका शिलान्यास भी किया गया। हमने ये तय किया है कि हम जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर अभी तक जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, उनके घरों में जाकर उनको एक सम्मान पत्र सरकार की तरफ से देंगे, और उनके घरों की मिट्टी लेकर हम आएंगे, और उस मिट्टी को लेकर हम शहीद स्थल पर, जो सैन्य धाम है वहाँ पर लेकर जाएंगे, और उससे जो है वहाँ पर सैन्य धाम का निर्माण होगा। क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में हर परिवार से कोई ना कोई सिर्फ देश की सीमा को, देश की रक्षा करना है, और देश की सेना का 17.5% हर पांचवा सैनिक हमारे उत्तराखंड से है। तो एक भावनात्मक लोगों का जुड़ाव होगा। इसके लिए मैंने आज अपने सैनिक निदेशक को यहाँ पर बुलाया था, और मैंने उन्हें कहा है कि मुझे 10 दिन के अंदर एक आप रोड मैप बनाकर दीजिएगा। एक शुरुआत हम दूरस्थ चमोली के गांव सवाड़, जो एक सबसे ज़्यादा फौजी बाहुल्य क्षेत्र है, गरंटी अवार्ड वहाँ मिले हैं, एक हम यहाँ से शुरू करेंगे, और एक कुमाऊँ से हम शुरू करेंगे, झाड़चूला या किसी जगह से। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे 10 दिन के अंदर एक रोड मैप बना के दीजिएगा, और इन सब घरों से मिट्टी लाकर हम इस सैन्य धाम का निर्माण करेंगे। मंत्री जी, जो प्रदेश